बाजार में अलग अलग मेर के फास्ट फूड के भरमार ही बे जैसा इनका नाम है वैसे तेजी से लोगन के जुबान में एक स्वाद घलाए चढ़त है। बाजार में मिले वाले अगर चटपटी खट्टी मीठी फुल्की के बात की जाए तो हर केव ए फुल्की के दीवाना है। का बच्चा का बूढ़ा का महिला का पुरुष हर केव ए गोलगप्पा ए फुल्की के स्वाद से अनजान नहीं आए। पै कुछ पैसन के लालच माँ और स्वाद बढ़ावे के चक्कर माँ फुल्की विक्रेता अपना के सेहत के साथ खिलवाड़ कर ला। हम मंडला से फुल्की से जुड़ी बड़ी खबर आई है। अपना बता दें कि जहरीली फुल्की खाए के कारण करीब 6 गांव के 40 लोगन के तबियत खराब हो गए। जहां जहरीली फुल्की खाए के कारण लोगन का इलाज खातिर अस्पताल में भर्ती कराए पड़ा है। आधा दर्जन गांव में जहरीली फुल्की के कारण कोहरा मच गया है। तो विंध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल महापूजा अपना पंचे सब जरे का प्रणाम कहते शुरू कही थे बड़ी खबर से। अपना बता दें कि जहरीली फुल्की खाए के कारण 6 गांव के करीब 40 लोगों के तबियत बिगड़ गए, अस्पताल में भर्ती करावा गया है। मंडला से यह खबर समूह आई है जहां फुल्की खाए के कारण करीब आधा दर्जन गांव के लोग बीमार पड़ गए। संख्या लगातार बढ़ते जा रहा है। मंडला जिला मुख्यालय और नारायणगंज विकासखंड के मंगलगंज चिराई डोंगरी गढ़ार कोंडरा सहजनी लालपुर भवाल यानी आधा दर्जन करीब गांवन में जहरीली फुल्की के कारण कोहरा मचा है। यहाँ फूड पॉइजनिंग के चलते करीब 40 से अधिक लोगों के तबियत खराब हो गया है। जोने में से बच्चा बुजुर्ग और जवान सब फूड पॉइजनिंग के शिकार भी हैं। इनका एम्बुलेंस और दूसरे वाहन से जिला अस्पताल और नारायणगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करावा गया है जहां उनका इलाज जारी है। ये बात की जानकारी लगता है कांग्रेस के विधायक डॉक्टर अशोक मार्सकोले देर रात नारायणगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे जहां मरीजन से बात करी और उनका हालचाल जानी। यही बीच कांग्रेस के विधायक डॉक्टर अशोक मार्सकोले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में घलाया जो व्यवस्था देखे पहुंचे तो वहां अव्यवस्था देख के नाराज हो गए। प्रशासन के गंभीरता में सवाल उठाइन और आरोप लगाइन कि इतनी बड़ी संख्या में मरीज आवल लहाँ पर जिला अस्पताल से अब तक मौके में कोनो डॉक्टर नहीं पहुंचा है। बतावा जाते कि जिला मुख्यालय और टिकरिया थाना के अंतर्गत मंगलगंज चिरई डोंगरी समेत आधा दर्जन गांवन में एक फेरी लगाए के फुल्की बेचे वाले के द्वारा जो बेची जा रही फुल्की का ग्रामीण खा ले रहे जिसके बाद उनका उल्टी की शिकायत आई रही। वहीं सबका नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में और जिला चिकित्सालय भेज दिन गया है। ग्रामीण और मुख्यालय के लोगन के कहा है कि फेरी लगावे वाले के फुल्की खाए रहे जिसके बाद से उनका तबियत बिगड़े ला। लोगन के तबियत बिगड़क देख के ग्रामीण जिला प्रशासन का जानकारी दी। वहीं डॉक्टरन के कहा है कि ज़्यादातर लोगन का हल्का इन्फेक्शन है, बस एक दो लोगन का गंभीर इन्फेक्शन के बाद कही जा रहा है। वह जानकारी इलाज की जा रहा है। तो सजग रही सतर्क रही रखिए अपन और अपने परिवार के ख्याल दे। इजाजत प्रणाम।